हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंपनी लॉ में जो ऑडिट का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी क्लास नंबर 4 शुरू करता हूं। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों दो चीजें पढ़ी है, एक सेक्शन 141 और एक सेक्शन 144। आज मैं आपको ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के ऊपर जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 139, ये पढ़ाना शुरू करूंगा। इसको पढ़ाने का स्टाइल क्या रहेगा, एक डायग्राम बना रहा हूं मैं आपको, आपके लिए, आप कुछ मत कीजिएगा इस वक्त। देखिए, 139 इज ऑल अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ऑफ ऑडिटर के ऊपर है ये पूरा सेक्शन। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस सेक्शन के अंदर 10 सबसेक्शंस हैं। 10 सबसेक्शंस, साइज में काफी बड़ा है ये सेक्शन। तो हमको जो जो टॉपिक सीखने हैं मैं उसके सेक्शन नंबर अभी आपको याद करा रहा हूं। आज मुझे आपको पढ़ाना है प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी। अब मैं नॉर्मल कंपनी किसको बोलूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, और बी समझाऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो मैं ए पॉइंट में कवर किया हूं ना, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, और बी पॉइंट में गवर्नमेंट कंपनी। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी, इन नॉर्मल कंपनी। उसके बाद सेम चीज, अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी। और उसके बाद पढ़ाऊंगा जी अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब इसको मैं इतना सजा के इसलिए लिखा हूं क्योंकि मेरे को इसमें ना आपको सेक्शन नंबर याद कराने हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी का सेक्शन है 139 सबसेक्शन 6, और अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 139 सबसेक्शन 7। प्लीज थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए। और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी का सेक्शन नंबर है 139 सबसेक्शन 1, और अपॉइंटमेंट ऑफ सबसिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 139 5, और अपॉइंटमेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी फॉर बोथ कंपनीज, इनका प्रोसेस एक ही सेक्शन में दिया हुआ है, बोथ काइंड ऑफ कंपनीज का, इसका सेक्शन नंबर है 139 8। तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत काम की है, एक बार बिना देखे पूरे सेक्शंस के साथ आपको बोल रहा हूं। टॉपिक पे ध्यान दीजिए, इसको सेक्शन के सीक्वेंस में मत याद कीजिए कि मैं पहले 1 ही याद करूंगा, फिर 5, फिर ऐसे ऐसे मत याद कीजिए, दैट इज रॉन्ग। टॉपिक के हिसाब से जाइए। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीख रहे हैं तो पहले नॉर्मल कंपनी का सीखेंगे, फिर गवर्नमेंट कंपनी का। फिर सबसिक्वेंट ऑडिटर का मतलब होता है फर्स्ट ऑडिटर को छोड़ के जो भविष्य में और ऑडिटर अपॉइंट होंगे उनको सबसिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। जैसे लाइफ में हमारा फर्स्ट बर्थडे आया था एक बार, उसको हमारे पापा मम्मी ने बहुत स्पेशलिटी के साथ सेलिब्रेट करवाया था। उसके बाद भी हम बर्थडे मनाते हैं, बट फर्स्ट बर्थडे की बात ही अलग होती है। वैसे ही फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का प्रोसेस एकदम अलग है, और उसके बाद दूसरा, तीसरा, 100th 5th 100th ऑडिटर जब भी अपॉइंट होगा उसका प्रोसेस अलग है। उन सारे ऑडिटर्स को सबसिक्वेंट ऑडिटर बोला जाता है। तो नॉर्मल कंपनी में सबसिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है वो सीखेंगे, गवर्नमेंट कंपनी में सबसिक्वेंट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है वो सीखेंगे, और कैजुअल वैकेंसी का मतलब होता है जब कोई ऑडिटर अपॉइंट तो हो जाता है बट वो अपने टेन्योर तक अपनी ऑफिस को
मेंटेन नहीं कर पाता, बीच में डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन के कारण वो छोड़ देता है अपने पद को, तो उससे अराइज होती है कैजुअल वैकेंसी। और ऐसी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है वो सीखेंगे सेक्शन 139(8) में। ये दोनों टाइप की कंपनियों के ऊपर प्रोसेस बताऊंगा। कुल मिला के ना मेरे को 6 टॉपिक पढ़ाने हैं आपको। आप बोलोगे सर यहां तो हमको 5 दिख रहे हैं, आप 6 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो बोथ कंपनियां मैंने लिखा है ना, तो दोनों कंपनी का प्रोसेस अलग अलग है। ये अलग बात है कि दोनों प्रोसेस लिखे हुए सेक्शन 139(8) के अंदर ही है, बट दोनों अलग अलग प्रोसेस है। चलिए शुरू करता हूं। अगर आपको सेक्शन याद हो गया है तो अब एक एक टॉपिक को समझाना शुरू करता हूं। आप लोग कुछ और मत कीजिएगा, केवल और केवल मेरे नोट्स को देखिएगा। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी। एक्चुअली नॉर्मल कंपनी आइंदा नहीं बोलूंगा, अगर मैं सिर्फ कंपनी बोलूं ना तो आप समझ जाया कीजिए नॉर्मल कंपनी। मेरे को जब गवर्नमेंट कंपनी बोलना होगा तो मैं अलग से बोल दूंगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन नॉर्मल कंपनी, बताओ इसका सेक्शन नंबर क्या था? 139(6). ओके, पहली बात। अब जैसा लिख रहा हूं वैसा बोल रहा हूं, और वही बोलूंगा जो बुक्स में लिखा हुआ है। आप मेरे को फॉलो कीजिए, याद कर लीजिए। द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 डेज, देन दे शैल इन्फॉर्म मेंबर्स, दे शैल इन्फॉर्म मेंबर्स एंड मेंबर विल अपॉइंट ऑडिटर विद इन 60 डेज। अब ये 60 डेज कहां से है? ये 60 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन है, मतलब डायग्राम के हिसाब से बताऊं तो ये है कंपनी का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसके 30 डेज के अंदर कायदे से फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए, और ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बट अगर वो लापरवाह हुए और वो लोग 30 डेज के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो इनका काम है कि ये लोग मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि हमसे भूल हो गई, हमने फर्स्ट ऑडिटर 30 डेज में अपॉइंट नहीं किया। मेंबर्स को जैसे ही पता चलेगा तो बोलने के लिए ऐसा बोल सकता हूं विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है अब वो मेंबर्स करेंगे एक जनरल मीटिंग में, मेंबर अपॉइंटमेंट करेंगे इन जनरल मीटिंग। और इसको आप नेक्स्ट 30 डेज कृपया मत बोलिए, आप ऐसे बोलिए या तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, या तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 60 डेज के अंदर मेंबर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में फर्स्ट ऑडिटर को। ओके, अभी तक मैं आपको 1 और 2 ये पॉइंट बताया, एक आखिरी बात बता देता हूं। द फर्स्ट ऑडिटर शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी। अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलवाता हूं बेटा, ये थी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लीजिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है आज की ही तारीख, आज की तारीख जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की तारीख है बेटा 4th जून 2020।
मान लीजिए आज ही कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 30 डेज के अंदर या 60 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, या तो बीओडी अपॉइंट करेंगे या तो शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे। आप अब ये नोटिस कीजिए, जुलाई या अगस्त में फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए उससे पहले, बट ये ऑडिटर को ऑफिस कब तक होल्ड करने को दी जा रहा है, दिया जा रहा है? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक। तो अब आप मेरे से पूछिए कि सर इस कंपनी की एजीएम कब होगी, फर्स्ट एजीएम? आंसर, पहले तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन खत्म होने के बाद जो अगला 31 मार्च आएगा, उस तारीख को, 31 मार्च को, इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, यानी 4 जून 2020 के बाद 31 मार्च 2021 को जाकर यह कंपनी का फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा। और फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 9 मंथ्स का टाइम दिया गया है, 9 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम दिया गया है, और वहां से लेकर 9 मंथ्स के पहले तक, मतलब 31 दिसंबर 2021 तक, इस 9 मंथ्स में कभी भी कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड करेगी, और वो एजीएम कहलाएगी एजीएम फॉर द ईयर 2021, विच वॉज फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके। और बेटा जब ये एजीएम इस इन इन 2 तारीखों के बीच में जब भी होगी, एग्जाम्पल लेता हूं, 16 जून 2021 इस दिन कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम होल्ड की, तो ये जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ था ना यहां पर अभी इस वक्त जून जुलाई में, इस ये व्यक्ति इस एजीएम के कंक्लूड होने तक, इस 16 जून की फर्स्ट एजीएम के कंक्लूड होने तक, कंक्लूड कंक्लूड वर्ड नहीं लिखेंगे, पूरे नंबर कट जाएंगे। सर क्या महत्व है कंक्लूड का? कंक्लूड का ये महत्व है कि एजीएम होल्ड जिस दिन होती है, जरूरी नहीं है कि उसी दिन वो एजीएम समाप्त भी हो जाए। कई बार एजीएम में कुछ मैटर्स अगर डिस्कस करना बाकी रह जाता है तो एजीएम को एडजॉर्न किया जाता है, मतलब थोड़ा आगे खींचा जाता है, स्थगित किया जाता है, और उस कारण से एजीएम जो है वो सेम डे कंप्लीट नहीं होती। जिस दिन सारी कार्रवाई खत्म हो जाती है एडजर्न एजीएम मिलाकर, उस दिन जाके वो एजीएम कंप्लीट होती है। तो अपना जो ऑडिटर है ना, वो एजीएम तक नहीं रुकने वाला है, एजीएम के कंक्लूड होने तक रुकने वाला है। यहां पर आपका सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 समाप्त होता है, समझे आप? तो भाइयों कंक्लूजन ये हुआ कि फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के बाद 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करने की ड्यूटी दी गई है, बट अगर वो लोग फेल हो जाते हैं तो उनको मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है, और मेंबर 60 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में, और वो 60 डेज जो होंगे वो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेना है, और जो जनरल मीटिंग होगी ना उसको गलती से एजीएम मत लिख के आ जाना, क्योंकि एजीएम फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होने वाली है, ठीक है? तो ये एक प्रकार से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, राइट, जिसमें ऑडिटर अपॉइंट होगा, और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका ऑफिस कब तक है? फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक, दैट्स ऑल। अब देखिए दोस्तों, यही चीज को अपन पेज नंबर 57 में, आइएगा अपने नोट्स में, वहां से पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 57 में, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी लिखा है, मतलब ये नॉर्मल कंपनी हो गई, द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, राइट? ये हुआ फर्स्ट बात। एंड द ऑडिटर सो अपॉइंटेड शेल होल्ड ऑफिस अंटिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। कंक्लूजन वर्ड को डबल अंडरलाइन। ये तो वो बात हो गई बेटा जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम एकदम अच्छे से कर लिए, 30 डेज में अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लिए, तो बट ये देखिए बी में, इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू एक्सरसाइज इट्स पावर, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मतलब उन लोग ने किया ही नहीं, तो क्या होगा? इट शेल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, पहले इन्फॉर्म करना है, इन्फॉर्म वाला स्टेप भूल मत जाना, एंड द कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, आई एम रियली सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे बताने में, विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं 60 डेज बोल रहा था बार बार, मिस्टेक, प्लीज
बियर विथ मी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 30 डेज का विंडो दिया गया है और मेंबर को 90 डेज का विंडो दिया गया है, पर भूलना मत ये जो 90 डेज होंगे ना ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से होंगे, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से। तो इट शल एंड द कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 90 डेज एट एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग एंड सच ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। यहां तक बीओडी के पास पावर है और इसके बाद मेंबर के पास पावर है। और जो यहां लिखा है ना कंपनी में अपॉइंट, कंपनी का मतलब मेंबर ही होता है बेटा, और मे का मतलब यहां शेल निकालेंगे, ये हो गया आपका बेटा 139(6) का लॉ, नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर। इसके ऊपर एग्जाम का क्वेश्चन कैसा आया हुआ है वो भी दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये पढ़िए एग्जाम्पल क्वेश्चन। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पीक्यूआर लिमिटेड हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू अपॉइंट श्री गणपति अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी, कमेंट ऑन द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब एक कंपनी का एमडी, एमडी बहुत बड़े पोस्ट का आदमी होता है, जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी इज एमडी, जैसे बजाज फाइनेंस में संजीव बजाज इज मैनेजिंग डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ वॉन्ट्स टू अपॉइंट, ये बोल रहा है मैं खुद अपॉइंट कर दूंगा फर्स्ट ऑडिटर को, भले ही 30 डेज के अंदर करना चाहे तो भी। तो भाइयों इसके ऊपर आपको कमेंट करना है, द करेक्ट कमेंट इज द मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ इज नॉट एलिजिबल फॉर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटिंग द ऑडिटर, दिस ड्यूटी हैज बीन गिवन टू आइदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स, सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कलेक्टिवली हैव टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। मींस फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करने में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपना अपना वोट होगा, उसके बेसिस पे फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा, कोई अकेला डायरेक्टर कितना भी पावरफुल हो उसके पास ये पावर नहीं है। तो अगर ऐसा होगा ना, अगर ऐसा हो गया ना, तो ये 139(6) का कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा बेटा, जिसकी पेनल्टी प्रोविजन सेक्शन 147 में लिखी हुई है। एक साथ खैर छोड़िए, तो देखेंगे पहले लॉ लिखा हुआ है द फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यही लॉ है। इन द गिवन केस द अपॉइंटमेंट ऑफ श्री गणपति बाय मैनेजिंग डायरेक्टर हिमसेल्फ विल बी इन वायोलेशन ऑफ 139(6) बिकॉज मतलब विच ऑथोराइजेज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, सो इन व्यू ऑफ अबव द मैनेजिंग डायरेक्टर शुड बी एडवाइज नॉट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर। उसको एडवाइस कीजिए कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या लिखा है कमेंट ऑन प्रपोज्ड एक्शन, अच्छी बात यह है कि इन्होंने अभी तक गड़बड़ी की नहीं है, तो आपको यही सलाह देनी है कि आप ऐसा मत करना लाइक दैट। अब आइए सर आज की क्लास का दूसरा टॉपिक पढ़ाना शुरू करता हूं, जस्ट सेकेंड। आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है कि फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी में कैसे अपॉइंट होता है। इसका सेक्शन नंबर मैं आपको बोला था 139(7) पढ़ाऊंगा, आपको बोला था मैंने 139(7) के हिसाब से। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसको ध्यान से एक बार समझ जाइए, फिर कंफ्यूजन होने की गुंजाइश मत रखना प्लीज। 139(7) शॉर्ट में एक डायग्राम बना के बताता हूं, देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद 60 डेज का टाइम दिया जाता है, बट यहां पर 60 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा बताऊं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भाई वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक मतलब मैं आपको बताऊं, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीएजी को, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑडिटर होता है, रेलवेज का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, डिफेंस मिनिस्ट्री का, समझ लो नरेंद्र मोदी की ऑडिट करने वाला आदमी होता है सीएजी। तो सीएजी ऑडिट नहीं करेगा गवर्नमेंट कंपनी की, डोंट गेट मिस्टेकन, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट सीए ही करेगा, जो क्वालिफिकेशन अपन 141 में पढ़े हैं ना वही लोग, अपन आप और मैं ही करेंगे ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी की, बट हमारा अपॉइंटमेंट सीएजी करेगा। सो गवर्नमेंट कंपनी में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 60 डेज सीएजी हैज टू मेक द अपॉइंटमेंट, और अगर सीएजी फेल हो गया, फेल हो गया, तो नेक्स्ट नेक्स्ट 30 डेज में, नेक्स्ट 30 डेज में
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो गए तो फिर मेंबर को अपॉइंट करना है, और मेंबर के लिए टाइम लिमिट लिखी हुई है 60 डेज। तीन चक्र है, पहला मौका दिया जाएगा सीएजी को 60 डेज में, वो फेल हो गया तो नेक्स्ट 30 डेज में, मतलब जब सीएजी फेल हुआ उसके नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी को अपॉइंट करना है, और अगर बीओडी फेल हो गए तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर को 60 डेज में अपॉइंट करना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट अभी डिस्कस कर देता हूं, शाम को बहुत लंबे मैसेज मत भेजिएगा। बीओडी को कब से टाइम दिया गया था? सीएजी जब फेल होगा वहां से 60 डेज, जब सीएजी फेल हो, सीएजी 60 डेज में फेल हुआ उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज में बीओडी को अपॉइंट करना है, बट जब बीओडी फेल हो जाते हैं ना तो वो लोग मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर को 60 डेज में अपॉइंट करना है, तो 60 डेज यहां से नेक्स्ट नहीं होने चाहिए, मेरे हिसाब से नेक्स्ट नहीं होने चाहिए, ये जिस दिन सीएजी फेल हुआ था ना वहीं से 60 डेज काउंट होंगे, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको आइए टेक्स्ट दिखाता हूं, पेज नंबर 59 में आ जाइएगा, पेज नंबर 59 में आ जाइएगा, यह टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं अभी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, जितना बोलता हूं उतना अंडरलाइन करिएगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, आप खुद इंटरप्रेट कीजिए, मैं नहीं पढ़ाने वाला आपको, मैं पढ़ाऊंगा आप खुद इंटरप्रेट कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी द फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये तो बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, बट हमको आगे क्या पढ़ना है, अगर सीएजी फेल हो गया तो क्या? इन केस द सीएजी डज नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन द सेड पीरियड, मतलब फर्स्ट 60 डेज में अपॉइंट नहीं किया, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, मतलब 60 डेज खत्म होने के बाद 30 डेज के अंदर। आगे देखिए, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर हु शैल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज, नेक्स्ट 60 डेज नहीं लिखा है, नेक्स्ट 60 डेज नहीं लिखा है। बीओडी को नंबर कब मिला था? सीएजी के 60 दिन खत्म होने के बाद अगले 30 दिन का टाइम दिया था बीओडी को, और बीओडी फेल हो गया तो नेक्स्ट 60 डेज नहीं लिखा है, सिर्फ 60 डेज लिखा है, मतलब सीएजी से ही काउंट करना चाहिए, यह मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है। मतलब अगर और क्लियर करके बोलूं तो बीओडी अगर 30 डेज में फेल हो गया ना तो बीओडी मेंबर को इन्फॉर्म करेगा और मेंबर वहां से 30 डेज के अंदर अपॉइंट करेगा। वहां से 30 डेज बोलना हमको अलाउड नहीं है, हमको 60 डेज ही लिखना है, और 60 डेज अज्यूम्ड है कि वो सीएजी से 60 डेज होगा। सर हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि अपने ओन वर्ड्स में कि वहां से 30 डेज, नहीं मत लिखना, पंगा मत लेना इंस्टीट्यूट से, जैसा यहां लिखा है वैसे ही लिखना, विद इन 60 डेज। अब भाई एक बात बताओ, मेंबर्स कहां पे अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को? सर जनरल मीटिंग में, तो वो जनरल मीटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी कि एजीएम होगी? ऑफकोर्स वो ईओजीएम होगी, एजीएम नहीं होगी, क्योंकि एजीएम तो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद होने वाली है, तो जो एजीएम नहीं होती है वो ईओजीएम होती है। विद इन 60 डेज एट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। और अब आखिरी बात बता देता हूं, जो भी ऑडिटर अपॉइंट होगा ना, चाहे वो बीओडी के द्वारा अपॉइंटेड हो, चाहे सीएजी के द्वारा, चाहे शेयर होल्डर्स के द्वारा, उसका जो ऑफिस होगा, टेन्योर होगा, वो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होगा, जैसे कि एक नॉर्मल कंपनी में होता था। हु शैल होल्ड ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, दैट्स ऑल। चलो सर एक बार यहां पे कंपैरिजन बता देता हूं, ये है 139.6 जो कि नॉर्मल कंपनी के ऊपर है, यह है 139.7 जो कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर है, ये वाला गवर्नमेंट वाला है। पहला कौन सा पढ़ना पसंद करेंगे? पहले नॉर्मल, चलो वो भी बता देता हूं। ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, यहां से 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहिए, अगर वो फेल हो गए तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे, यहां फेल हो गए तो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर अपॉइंट करेंगे, अपॉइंटमेंट बाय मेंबर
और ये जो रहेगा ना वो यहां से यहां तक का गैप होगा 90 डेज का, जिसका मतलब हुआ ये नेक्स्ट 60 डेज में अपॉइंट करेंगे। यहां से अगर यहां की गैप नापोगे तो 60 डेज है, बट अपने को लिखना ही नहीं है ये, अपने को ये 90 डेज लिखना है। ओके, आई होप समझ में आ गया हो। और इसके बाद जो भी ऑडिटर अपॉइंट हुआ हो, चाहे वो यहां पे अपॉइंट हुआ हो चाहे वो यहां पे अपॉइंट हुआ हो, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक। कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, ये वर्ड बोलना ना भूलें कृपया करके, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। जब लाइव क्लास चलती है ना तो मैं एक एक कम से कम 5 से 7 स्टूडेंट से खड़े करवा करवा के पूछता हूं, 15-20 मिनट वेस्ट करता हूं। तो आप लोग एक बार खुद भी वीडियो पॉज करके खुद बोल के देखिएगा, पेपर में आना तय है इस क्वेश्चन का अब। और आपको भूलना नहीं, ये सारी चीज ग्रुप 2 के ऑडिट में भी काम आने वाली है। अब गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कैसे अपॉइंट होता है? तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, सीएजी थोड़े बिजी रहते हैं तो इसीलिए उनको 60 डेज का टाइम दिया गया। 60 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा। सीएजी अपॉइंट नहीं करेगा तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं करेंगे तो 60 डेज के अंदर, मतलब ये वाले 60 डेज के अंदर, मेंबर अपॉइंट करेंगे ईओजीएम में। और जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ होगा, या तो यहां हुआ होगा या फिर यहां या फिर यहां, जो भी अपॉइंट हुआ होगा वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। बस अब दोस्तों मैं आज की क्लास का नया लॉ पढ़ा रहा हूं, 139(8) सेक्शन। ये कैजुअल वैकेंसी के ऊपर था, आपको याद कराया था मैं। और मैं आपको ये भी बोला था कि ये कॉमन सेक्शन है, इसमें मैं आपको गवर्नमेंट कंपनी का भी प्रोसेस बताऊंगा और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का भी प्रोसेस बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये सुनने के साथ आपको फीलिंग कैसे आनी चाहिए वो बता रहा हूं। फीलिंग यह आनी चाहिए, ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड बट ही डिड नॉट होल्ड ऑफिस टिल फुल, टेन्योर। ही डिड नॉट होल्ड ऑफिस टिल फुल टेन्योर ड्यू टू डेथ और डिस्क्वालिफिकेशन और रेजिग्नेशन और रिमूवल ही वेकेटेड ऑफिस, बस इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। जैसे कोई व्यक्ति को ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है और उस बेचारे का यहां तक टेन्योर है, बट वो बीच में या तो ऑडिटर की डेथ हो जा रही है या तो वो 141 सबसेक्शन 3 के जो डिस्क्वालिफिकेशन है 10-12 उसमें से एक में फंस जा रहा है, या फिर वो खुद रिजाइन करके चला जा रहा है कोई भी पर्सनल रीजन से, या उसको कंपनी वाले खुद रिमूव कर दे रहे हैं, इन सब कारणों से अगर वो ऑफिस वेकेट करता है तो उसको कैजुअल वैकेंसी बोलते हैं। कुछ भी बोलिए, कैजुअल वैकेंसी में आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक ऑडिटर का जो नॉर्मल टेन्योर है एजीएम तक का, अगली एजीएम कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम तक, जैसे भी बीचों बीच कभी ऑडिटर निकल जा रहा है, तो ऑफ कोर्स भाई ऑडिटर इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन, तो ऑडिटर की जो पद है ना वो खाली नहीं छोड़ी जा सकती। इसीलिए तत्काल जैसे कोई ऑडिटर निकल जाता है तो तुरंत दूसरे को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसको बोला जाता है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जब आप अचानक कोई ऑडिटर चला जाता है तो उसके जगह दूसरे को अपॉइंट करते हो ना, तो उसको बोलते हैं फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। अब मैं आपको बेटा पहले पहले जानबूझ के गवर्नमेंट कंपनी का सिखा रहा हूं, गवर्नमेंट कंपनी का, ठीक है? तो इसका प्रोसेस है डायग्राम से बता रहा हूं। जैसे ही कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी ना, उसके 30 डेज के अंदर, सीएजी को अपॉइंट करना है दूसरा ऑडिटर। सीएजी शैल अपॉइंट ऑडिटर, ठीक है, 30 डेज के अंदर। और सीएजी बहुत बिजी रहता है, अगर सीएजी फेल हो गया,
तो फिर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। अगर सीजी फेल हुआ तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। और काम की बात तीसरी सुनिए, हाँ ये पहली बात, ये दूसरी बात, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, द ऑडिटर सो अपॉइंटेड, जिसको भी ऑडिटर अपॉइंट किए, शेल होल्ड ऑफिस, शेल होल्ड ऑफिस। अब ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा बता रहा हूं, टिल टिल कॉन्क्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, कॉन्क्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। इसका मतलब भाइयों, जो ऑडिटर कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए आ रहा है ना, उसकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं है, मतलब उसकी कार्यालय, उसके टेन्योर की उम्र ज्यादा लंबी नहीं है। अगली एजीएम तक बस उसको ऑफिस होल्ड करना है, अगली एजीएम, अगली एजीएम तो बेटा पक्का 1 साल के अंदर आने ही वाली होगी, 6 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 9 महीने के अंदर एजीएम आने वाली होगी, तो उसके अंदर उसको ऑफिस वेकेट करना है। हाँ, जब वो एजीएम में ऑफिस वेकेट करेगा तो उसका टेन्योर खत्म। अब कंपनी चाहे तो उसको रीअपॉइंट जरूर कर सकती है दोबारा एक ऑडिटर के रूप में, बट उसका ऑफिस उस समय के लिए तो खत्म हो जाएगा। तो जब कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने वाले ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, तो ये बोल के अपॉइंट करते हैं कि आप नेक्स्ट एजीएम तक के ही मेहमान हो, उस एजीएम में आपको अपना पद छोड़ना है, फिर उसके बाद देखेंगे हम आपको अपॉइंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके, 1 मिनट इसको नोट्स से पढ़ा देता हूं आपको। आइए, जस्ट अभी अभी पेज नंबर 57 में, 57 नहीं, 57 नहीं, 59 में, अभी अभी आपको जहां पढ़ाया ना, जस्ट उसके नीचे देखिए, 139(8) कैजुअल वैकेंसी फॉर गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा रहा हूं आपको। अभी नॉन गवर्नमेंट वाला अभी बताऊंगा 2 मिनट में क्या लिखा है, पढ़िए। इन केस ऑफ, भाइयों मेरे तरफ से लिख दीजिए ना प्लीज। देखो इन्होंने ना घुमा के लिखा है, ये देखो घुमा के लिखा है इन्होंने, अपन घुमा के नहीं लिखेंगे। कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सीएजी, कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सीएजी। ये जो ताना मार रहे हैं लोग, ये गवर्नमेंट कंपनी को ही तो मार रहे हैं कि वो कंपनी जिसके अकाउंट्स ऑडिट वो पर्सन करता है जो सीएजी द्वारा अपॉइंटेड होता है, वो तो गवर्नमेंट कंपनी की बात हुई। तो इन केस ऑफ, शॉर्ट में बोला जा सकता है गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी ऑफ एन ऑडिटर शेल बी फिल्ड बाय सीएजी विद इन 30 डेज। ये हुआ फर्स्ट लॉ, 30 डेज। इन केस द सीएजी डू नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेड पीरियड, देन द बोर्ड शेल फिल द वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। और एक बात, आपने पेन से लिख रहा हूं यहां पे कलर चेंज करके, सच ऑडिटर शेल होल्ड ऑफिस टिल कॉन्क्लूजन ऑफ, आप भी लिखिएगा, नेक्स्ट एजीएम। ये बात मैं एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी वाले लॉ में सीखा हूं, इसको यहां पे भी वैसे ही अप्लाई करेंगे। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, डायग्राम से तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए मैं आपको कंपैरिजन पर्पस से जस्ट इसी के सामने नॉन गवर्नमेंट कंपनी का लॉ पढ़ाने वाला हूं, इसको एक अलग पेन के कलर से बनाऊंगा ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें। इसका कलर रख लेते हैं अपन, मान लीजिए रेड कलर। ओके, तो ये हो जाएगा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। क्या सीख रहे हैं, कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल करते हैं वो सीख रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा हो सकता है, बट ध्यान से सुनोगे तो वो भी नहीं होगा। इसमें क्या लिखा है, अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फिल करना है कैजुअल वैकेंसी। जब कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो उसके 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेंगे। अब प्लीज गैस मत कीजिएगा, मैं अभी यहां पे कुछ और बनाने वाला हूं, आप ये गैस कर रहे होंगे, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल टू अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 30 डेज देन दे विल इन्फॉर्म मेंबर, वैसा प्लीज गैस मत कीजिए, धोखा हो जाएगा फालतू।
कुछ और लिखने वाला हूं, तभी कंफ्यूजन की बात बोल रहा था। इफ कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, इफ कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, मतलब मैं ये जो लॉ बता रहा था ये यहां मुकम्मल हो जाता है। कैजुअल वैकेंसी अगर अराइज होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर फिल करेंगे, बट अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हुई थी देन ऑल्सो बीओडी शैल अपॉइंट, नहीं काट रहा हूं, इफ कैजुअल वैकेंसीज अराइज ड्यू टू रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, वन एडिशनल प्रोसेस व्हाट सच अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड, सच अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय मेंबर्स इन जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड विद इन 3 months फ्रॉम अपॉइंटमेंट ऑब्लिक रिकमेंडेशन बाय बीओडी। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, खड़े होके बता रहा हूं आराम से। ये देखिए मूव ओके कर रहा हूं, मूव हो सकता हूं ना मैं थोड़ा सा, देखिए ये आज है 4 जून, आज हुई कैजुअल वैकेंसी, एक ऑडिटर, एक कंपनी का ऑडिटर, मैं ही एक कंपनी का ऑडिटर था जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं थी, नॉर्मल कंपनी थी, एक्सेल थी मान लीजिए। तो आज एक ऑडिटर एक कंपनी से इस्तीफा देके या किसी भी कारण से कैजुअल, मैं रेजिग्नेशन वर्ड को डिलीट करना चाहता हूं प्लीज, अगर कोई ऑडिटर की ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी तो 30 डेज के अंदर उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई दूसरे ऑडिटर को ढूंढ के लाएंगे और कुर्सी में बिठा देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। बट अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई थी वो रेजिग्नेशन के कारण अराइज हुई थी, वैसे कैजुअल वैकेंसी 4 कारणों से होती है, मैं आपको ऊपर समझा चुका हूं, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हुई थी तो एक एक्स्ट्रा प्रोसेस करना है, एक्स्ट्रा मतलब बोर्ड तो 30 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे ही, बट एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ये करना है कि जो ऑडिटर को बोर्ड ने चुना है उसके लिए एक अप्रूवल की जरूरत है, फर्दर अप्रूवल की, वो मेंबर्स करवाएंगे, मेंबर अप्रूवल देंगे, और उसके लिए जनरल मीटिंग होल्ड करनी है, और वो कब करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किए गए अपॉइंटमेंट के बाद विद इन 3 months। बस अब आप एक डाउट पूछिए, सर अगर जो कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई थी वो रेजिग्नेशन के कारण नहीं अराइज हुई थी, वो डेथ के कारण या डिस्क्वालिफिकेशन के कारण या रिमूवल के कारण हुई थी, तब क्या होगा? तब मैं बोलूंगा अगर उन 3 कारणों से कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई है तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिटर अपॉइंट करेंगे और वो अपॉइंटमेंट फुल एंड फाइनल होगा, बस कोई और प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हुई होती तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर कोई ऑडिटर को लेकर आते, रिकमेंड करने के लिए लेकर आते, उसका अपॉइंटमेंट फाइनल नहीं माना जाता, वो अपॉइंट उनको 30 डेज के अंदर करना पड़ता, बट वो अपॉइंटमेंट को मेंबर्स के द्वारा अप्रूव करवाना भी जरूरी होता और उसके लिए जनरल मीटिंग इनके रिकमेंडेशन के 30 डेज के अंदर होल्ड, 30 डेज नहीं 3 months के अंदर होल्ड करना जरूरी था। आई होप बेटा समझ आ गया होगा आपको एक बार के लिए। अच्छा सर एक डाउट, हाँ पूछो क्या। सर अगर गवर्नमेंट कंपनी में रेजिग्नेशन के कारण कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई होगी तो आंसर, मैंने वहां पर ऐसा कोई बात बोला ही नहीं था, वहां पे ये सब बातें करना गलत होगा, वहां पे सिर्फ इतना ही लॉ है कि कुछ भी कारण से कैजुअल वैकेंसी अराइज हो उस कैजुअल वैकेंसी को 30 डेज के अंदर सीएजी फिलअप करेंगे, सीएजी फिलअप नहीं कर पाए
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिलअप करेंगे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। वहां पे रेजिग्नेशन या रीजन पे जाओ ही मत प्लीज। इन गवर्नमेंट कंपनी डोंट थिंक अबाउट द रीजन, डोंट थिंक अबाउट द रीजन। बट इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी फर्स्ट थिंक अबाउट द रीजन। इफ इट इज नॉट ड्यू टू रेजिग्नेशन, इट इज ड्यू टू अदर 3 रीजन्स, देन बोर्ड विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज एंड दैट अपॉइंटमेंट विल बी फाइनल। एंड इफ इट इज ड्यू टू रेजिग्नेशन देन ऑल्सो बोर्ड विल अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर, सॉरी बोर्ड विल फिल अप द कैजुअल वैकेंसी, बट दैट हैज टू गेट अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड। बस पहले इतना रिटेन करिए प्लीज। और डाउट पूछने का मन है आपका, पूछिएगा, मैं खुद आपके बिहाफ पे डाउट पूछूंगा, बट पहले लॉ पढ़ लेते हैं बेटा। एक बात छोटी सी और बता देता हूं, जो ऑडिटर अपॉइंट होगा ना बोर्ड के द्वारा, उसका टेन्योर रहेगा नेक्स्ट एजीएम तक, क्योंकि कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने वाले ऑडिटर्स का टेन्योर नेक्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक ही होता है। आइए वो भी दिखा देता हूं आपको, पेज नंबर 57 में आइएगा। ये रहा फिलिंग अप कैजुअल वैकेंसी, और यहां लिख रहा हूं नॉन गवर्नमेंट कंपनी। आइए मेरे साथ देखिए दोस्तों, द बोर्ड मे फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर विद इन 30 डेज। पहले इतना संभालिए प्लीज, इतना संभालिए, द बोर्ड मे फिल एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर कैजुअल वैकेंसी उनको फिल करनी है। बट वेयर सच वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन, मतलब भाइयों ये जो मैं बट के बाद पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ तब लागू होगा जब कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के कारण हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के अलावा कोई और कारण से होती तो आगे पढ़ने का मतलब ही नहीं होता, वहीं पे खत्म हो जाता 30 डेज के अंदर, वहीं पे खत्म हो जाता। अब आप एक दूसरी चीज पढ़ रहे हो, वेयर द वैकेंसी इज कॉज्ड बाय रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर देन सच अपॉइंटमेंट, सच अपॉइंटमेंट मतलब जो बोर्ड ने अपॉइंटमेंट कर दिया ना 30 डेज के अंदर उसकी बात चल रही है, सच अपॉइंटमेंट शेल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग। और जनरल मीटिंग कब तक होल्ड करना है, कन्वीन्ड का मतलब होता है हेल्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। इनफ टाइम्स बोल दिया बेटा मैं, हर हाल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ही 30 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट करना है, हर हाल में। बस अगर रेजिग्नेशन का केस होगा ना तो एक स्टेप आगे भी है, वो है कि उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव करवाइए मेंबर्स से जनरल मीटिंग में, और उस जनरल मीटिंग को बोर्ड के रिकमेंडेशन के 3 मंथ्स के अंदर होल्ड कर दीजिए। मैं क्लास खत्म करते समय पूरी टाइम लिमिट्स फिर से बोलूंगा, आप निराश होके क्लास बंद नहीं करोगे, एकदम कॉन्फिडेंट होके क्लास बंद करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ओके? और आपसे अभी एक और आखिरी बात क्या करनी है मुझे, कि जो व्यक्ति ऑडिटर अपॉइंट होगा ऐसे कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए वो ऑफिस कब तक होल्ड करेगा। सो एनी ऑडिटर अपॉइंटेड इन अ कैजुअल वैकेंसी शेल होल्ड ऑफिस अंटिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, नॉट फर्स्ट एजीएम, नेक्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम तो बेटा फर्स्ट ऑडिटर के लिए था, ओके? ये खत्म होता है हमारा 139(8) दोनों तरफ से। अब देखिए दोस्तों, इसी जो अभी आपको चीज पढ़ाया हूं ना उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा रहा हूं, साथ में ही नोट्स में है। देखिए, प्रकाश कैरियर लिमिटेड अपॉइंटेड मिस्टर रमन एज इट्स ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 30th September 2016। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कंपनी ने मिस्टर रमन को एजीएम में अपना ऑडिटर बनाया था, बनाया था। एक बात अभी से बोल देता हूं प्लीज, कल कल और अच्छे से समझाऊंगा पर अभी अभी बता देता हूं, इफ अपॉइंटमेंट इज इन एजीएम, मतलब अगर कोई ऑडिटर एजीएम में अपॉइंट होता है ना तो उसको सब्सिक्वेंट ऑडिटर बोलते हैं। हालांकि कल पढ़ाऊंगा सब्सिक्वेंट ऑडिटर डिटेल में, पर अभी से मन हो रहा था तो बता दिया बेटा,
अब भी इसके ऊपर बहुत मत सोचना, बस लिख के छोड़ देना। एजीएम में अपॉइंट हो रहा है तो ये सबसिक्वेंट ऑडिटर है, और सबसिक्वेंट ऑडिटर 5-5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, ये भी बात आपको अभी से बता देता हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। इनिशियली ही एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट, मतलब प्रकाश सॉरी मिस्टर रमन ने अपना अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया, बट ही रिजाइंड फ्रॉम हिज ऑफिस ऑन 31 अक्टूबर 2016 फॉर पर्सनल रीजन। ये फॉर पर्सनल रीजन यूजलेस, यूजलेस, बस रिजाइन किया ये महत्वपूर्ण है। फॉर पर्सनल रीजन कोई काम का नहीं है, रिजाइन किया। तो आप बताइए कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई कि नहीं? आंसर इज यस, और कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन हुई है ना, ये भी बात नोटिस कीजिए। बट सर ये प्रकाश कैरियर लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है कि नॉन गवर्नमेंट, ये कैसे पता चलेगा? हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नाम देख के नहीं पता चलेगा। द करेक्ट आंसर इज नाम देख के नहीं पता चलेगा, कोई पंडित भी नहीं बता पाएगा, कोई कोई नहीं बता पाएगा नाम देख के। एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? ऐसी कंपनी जिसका 51% और मोर पेड अप कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास हो, राइट? या फिर वो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी हो, रिकॉल हो गया ना? तो बेटा नाम देख के कभी किसी को नहीं बता सकते आप कि उसका गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। ये वही बात हो गई, आदमी को देख के बता दिए कि ये कौन सी जात का है, कौन सी प्रजाति का है, कहाँ का है, ये सब देख के नहीं बता सकते भैया, या तो पूछना पड़ेगा या आधार कार्ड देखना पड़ेगा, राइट? सो गवर्नमेंट कंपनी को भी नाम से नहीं पहचाना जा सकता। तो सर हम क्या करेंगे पेपर में? आंसर, अगर कोई कंपनी के नाम के आगे लिखा हो कि कॉमा लगा के विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी, तो ही आप उसको गवर्नमेंट कंपनी मानिए। जब तक ऐसे उसकी पहचान में चिल्ला के नहीं बोला जाए कि दिस कंपनी विच इज अ गवर्नमेंट कंपनी, या उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं बताया जाए, तब तक आप गवर्नमेंट कंपनी कंक्लूड मत करिएगा, उसको नॉर्मल कंपनी मानिएगा। ओके, बट ही रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम 31 अक्टूबर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीक एडवाइस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी ऑफ मिस्टर एल्बर्ट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडवाइस ले रहे हैं आपसे कि यार ये जो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीक एडवाइस फॉर फिलिंग अप द वैकेंसी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडवाइस ले रहे हैं कि हमको ना कैजुअल वैकेंसी फिल करनी है और उसकी जगह हम लोग मिस्टर एल्बर्ट को अपॉइंट करना चाहते हैं। बस तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, अब इसका आंसर यहां से चालू हो रहा है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या सलाह देने वाले हो? सर मैं तो फटाफट ये सलाह दे दूंगा कि आप बिल्कुल जब भी आपका ऑडिटर रेजिग्नेशन के कारण अगर ऑफिस छोड़ के गया है, कोई बात नहीं, डरो मत, 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऑडिटर अपॉइंट कर लेना चाहिए, और एल्बर्ट वगैरह जिसको भी करना है कर लें। बट अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद 3 मंथ्स के अंदर एक जनरल मीटिंग होल्ड करनी चाहिए जिसमें इसके अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराएंगे मेंबर्स से। इन द प्रेजेंट केस द ऑडिटर हैज रिजाइन एंड द कैजुअल वैकेंसी सो क्रिएटेड कैन बी फिल्ड बाय द बोर्ड अपॉइंटिंग मिस्टर एल्बर्ट। However, the appointment of Mr. Albert must be approved by the company by passing ordinary resolution at general meeting of the company, which must be convened by the board within 3 months of the recommendation of the board. Mr. Albert will be entitled to hold office till conclusion of next AGM. पूरा बढ़िया रिवाइज हो गया आपका। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब दोस्तों जो आज मैं आपको चीजें पढ़ाया हूं अभी तक, 139(6) फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉर्मल कंपनी, 139(7) फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एंड 139(8) कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोथ काइंड्स ऑफ कंपनीज, ऐसे 4 टॉपिक मैं आपको पढ़ाया हूं। इसमें जो जो पीछे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के हमारे बन सकते हैं इस वक्त वो करवा रहा हूं। आइए मेरे साथ, पेज नंबर है 77 आ जाइएगा। MCQ नंबर 3 देखिए मेरे साथ, देखिए बनता है कि नहीं आपसे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड विद इन हाउ मेनी डेज, वेरी डिप्लोमेटिक क्वेश्चन दिस इज। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो फर्स्ट ऑडिटर कब तक हो जाना चाहिए? 30, 90, 180 या 1 ईयर? तो पहले तो आपको मैं बता दूं, आप इसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी मानिए, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर नॉर्मली अपॉइंट कर देते हैं। बहुत रेयर होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपना काम ठीक से ना करें, तो 30 डेज मस्ट बी द करेक्ट आंसर, 3A। ओके आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन अभी 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 बन सकता है आपसे,
द ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय। अब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो ना अगर आप, तो आप पूछोगे सर ऑडिटर मतलब कौन सा, फर्स्ट ऑडिटर कि कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए ऑडिटर कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सॉरी, तो बेटा मैं आपको अभी तक स्टैट्यूटरी ऑडिटर तो नहीं बताया हूं, बट मैं आपको फर्स्ट ऑडिटर और कैजुअल वैकेंसी तो बता दिया हूं ना। आपने नोटिस किया होगा गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर भी सीएजी अपॉइंट किया था, और आपने नोटिस किया होगा कि कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने के लिए भी 30 डेज के अंदर सीजी को ही बोला गया था अपॉइंट करने के लिए। और मैं आपको कल के बारे में अभी बता देता हूं कि स्टेटूटरी ऑडिटर भी सीएजी ही अपॉइंट करता है, तो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हमेशा सीएजी अपॉइंट करेगा। ये हुआ हमारा एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट पॉइंट देखिए तो ये बन जाएगा आपसे, स्टेट द प्रोसीजर फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनिंग द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो प्रोसीजरल पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ टू अपॉइंट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिड नॉट अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब ये आपको बोल रहे हैं कि आप मान के चलिए कि एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी थी, उसके डायरेक्टर्स ने 30 डेज के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया, तो अब क्या होगा? तो भाइयों आंसर पढ़ लेंगे प्लीज, मैं आपको हिंदी में बता सकता हूं। अगर 30 डेज में इन्होंने अपॉइंट नहीं किया तो इनको मेंबर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, और मेंबर्स 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग में। 60 डेज, सॉरी 90 डेज के अंदर, आई एम रियली सॉरी, 90 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे। कब से? इनकॉर्पोरेशन से, मतलब इनके फेल होने के नेक्स्ट 60 डेज में। और जो ऑडिटर अपॉइंट होगा उसका टेन्योर कब तक होगा बेटा? टिल कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट, मत बोल देना, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। एक और क्वेश्चन करा देता हूं, ये देखिए पेज नंबर नेक्स्ट में आ जाइएगा 78 में, 78 पेज में। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन टू का पार्ट टू क्या पूछ रहा है देखिए, एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन द फॉलोइंग केसेस। तो केस टू है द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, खुद ही बता रहा है ब्रैकेट में अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, इसका मतलब ये नॉर्मल कंपनी है। द ऑडिटर ऑफ अ नॉर्मल कंपनी हैज रिजाइंड ऑन 31 दिसंबर 2016, मतलब एक कंपनी का ऑडिटर 31 दिसंबर 2016 को रिजाइन करके चला गया, वाइल द फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू एंड ऑन 31 मार्च 17। तो ये बात यूजलेस है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको इसमें कौन सा सेक्शन यूज करना है बताइए, सेक्शन का लिए बात करते हैं। सर इसमें 139(8) एप्लीकेबल होगा। अच्छा तो मैं तो पूछना ही भूल गया, वहां पे अभी जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहा था बीओडी वाला, उसमें कौन सा सेक्शन होगा? वो 139(6) होगा सर। ओके, और 139(8) का प्रोसेस लिखना है आपको, रिजाइन वाला पूरा, कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल फिल अप द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कैजुअल वैकेंसी, हाउएवर इफ द कैजुअल वैकेंसी इज ड्यू टू रेजिग्नेशन देन सच अपॉइंटमेंट शेल बी अप्रूव्ड बाय कंपनी इन अ जनरल मीटिंग विच शुड बी कन्वीन्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। बस हो गया। अब भाइयों एक काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जो जो अभी तक पढ़े हैं ना उसका अगले 5 मिनट के अंदर एक रिवीजन, ताकि कॉन्फिडेंस ऐसे फूट फूट के भर जाए जैसे मैं आपको बोल रहा था करवाने के लिए। तो सर क्या रिवाइज करवा रहे हो? मेरा जो मन होगा मैं वो रिवाइज कराऊंगा, पिछले 3 दिन का कुछ भी बता दूंगा मैं। सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूं, क्या आपको सेक्शन नंबर याद है? वो देखने के लिए पेन का कलर चेंज कर देता हूं, पेन का कलर कर देता हूं मैं ये वाला कलर, स्काई ब्लू। आइए तो रिवीजन करवा रहा हूं, पहले तो मैं सेक्शन नंबर की टेस्ट ले रहा हूं आपकी, उसी से पूरा कॉन्फिडेंस होता है। 139 सेक्शन क्या था बेटा? आप लोग तो इसकी चार्ट भी बनाए थे, ये था अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। मैं एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूं, डिटेल में नहीं बोल रहा। 140 क्या था? अभी तक पढ़ाया नहीं हूं, ये है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, शायद परसों पढ़ाऊंगा। 141 क्या होता है? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। रुपेश ये कलर ठीक से आ रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। 142 क्या होता है? ये भूल गए होंगे, छोटा सा सेक्शन था, रेम्यूनरेशन। 143 क्या था सर? राइट्स एंड ड्यूटीज।
144, हाउ कैन यू फॉरगेट 144, प्रोहिबिटेड सर्विसेस। वन फोर्टी फाइव साइनिंग ऑफ रिपोर्ट, भूल जाते हैं अक्सर। 146 तो बहुत सारे बच्चे भूलते हैं बेटा, हर हर दूसरा बच्चा भूल जाता है 146। ऑडिटर टू अटेंड जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी, राइट। 147 पेनाल्टी, 148 कॉस्ट ऑडिट, राइट। ये हो गया सेक्शंस का रिवीजन। थोड़ा और डिटेल में रिवीजन करवा रहा हूं। जो ये 141 था, इसके चार सबसेक्शन थे। 141 सबसेक्शन वन क्वालिफिकेशन, इसमें इंडिविजुअल भी कवर था और पार्टनरशिप फर्म भी। 141 टू कि अगर फर्म अपॉइंट हुई ऑडिटर तो साइन कौन करेगा, एनी प्रैक्टिसिंग पार्टनर, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, शॉर्ट में बोल रहा हूं। 141(3) ये था डिसक्वालिफिकेशन, 10-12 पॉइंट पड़े इसमें। 141(4) ये क्या था, ये अगर डिसक्वालिफिकेशन आफ्टर अपॉइंटमेंट। और बताइए सर, 141 होने के बाद आज, फिर उसके बाद मैं आपको 144 पढ़ाया था, इसकी प्रोहिबिटेड सर्विसेज के पेयर बता रहा हूं आपको। एक था अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, एक था डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक था एक्चुरी सर्विस, एक था इंटरनल ऑडिट सर्विस, एक था इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एक था इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एक था फाइनेंशियल आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और एक था मैनेजरियल मैनेजमेंट सर्विसेज, राइट। 144 आज हमने क्या पढ़ा, 139। सर इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सेक्शंस में, तो पेन का कलर चेंज कर देता हूं, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। ये देखिए रेड कलर, खूनी लाल कलर, एकदम ब्लडी रेड। तो 139 में आज हमने 139 सिक्स सेवन और एट पढ़ा है। ये है फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ये है फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी, ये है कैजुअल वैकेंसी ऑफ बोथ, राइट। ये हो गया आपका सेक्शन रिवीजन। अब एक बार के लिए 139(6) में क्या याद कराया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर 90 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे, और जो बंदा अपॉइंट होगा फिर कहां तक ऑफिस होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। ओके, इतना बढ़िया डायग्राम है। इसके बाद 139(7), इसमें गवर्नमेंट कंपनी थी तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद विद इन 60 डेज सीएजी अपॉइंटमेंट करेगा, और अगर सीएजी फेल हो गया तो 30 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो गए तो वो मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे, और मेंबर 60 डेज के अंदर अपॉइंट करेंगे मेंबर, और जो व्यक्ति अपॉइंट होगा वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजी। 139(8) गवर्नमेंट कंपनी के लिए कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी ना, जब तो कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के 30 डेज के अंदर सीएजी अपॉइंट करेगा, अगर नहीं कर पाया तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर बीओडी अपॉइंट करेंगे, और जो भी पर्सन अपॉइंट होगा उसकी ऑफिस कब तक चलेगी, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी के अलावा नॉन गवर्नमेंट कंपनी, इसमें कैजुअल वैकेंसी राइज होने के 30 डेज के अंदर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, ये हो गई एक बात। और अगर रेजिग्नेशन के कारण है तो एडिशनल प्रोसेस, अप्रूवल बाय मेंबर विद इन 3 मंथ्स। और ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजी। डोंट माइंड, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई। नेक्स्ट एजी। ओके सर, कॉन्फिडेंट? चलो कल मिलते हैं बाकी के लिए क्लास वर्क।